हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या लर्न करना है। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो इससे पहले कि मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस बताऊं, उससे पहले हम लोग को ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि हम लोग किस तरह के सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, हमें ये पहले से पता है और हम लोगों ने पहले भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो हमारा लेक्चर था वहां पर डिस्कस किया था कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनका कि फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, ऐसे सॉल्यूशंस को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हमें पता है कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन डिफरेंट तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। एक सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें कि हमारा सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है ना। दूसरा सॉलिड सॉल्यूशन हमारा ऐसा होता है जिसमें कि हमारा सॉल्वेंट तो सॉलिड होता है लेकिन सॉल्यूट जो है वो लिक्विड होता है ना। और तीसरा सॉल्यूशन ऐसा होता है, तीसरा सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें कि सॉल्वेंट तो सॉलिड होता है लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, गैसियस होता है। ये चीजें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में डिस्कस किया था, है ना। तो यहाँ पर जो आज हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं वो वाला सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल स्टेट सॉलिड हो। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सबसे फेमस एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था मैंने आपको, गोल्ड कॉपर एलॉय, है ना। गोल्ड कॉपर एलॉय क्या है, वो हमारा ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग एक सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं ब्रास का। अगर हम लोग ब्रास की बात करें तो ब्रास क्या है, ब्रास जो है ये जिंक और कॉपर का एलॉय है ना। ये जिंक और कॉपर से मिलकर के बना है। इसमें क्या होता है कि जिंक सॉल्वेंट होता है और कॉपर क्या होता है, सॉल्यूट होता है। अगर हम लोग जिंक के फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो कैसा फिजिकल स्टेट है इसका, सॉलिड है ना। और कॉपर के फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो कैसा फिजिकल स्टेट है इसका, सॉलिड है ना। तो हमारा ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फिजिकल स्टेट सॉलिड हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी टाइप्स पे। तो ये वाले जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस और दूसरा होता है हमारा इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस की, तो हम इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस जिसमें कि सॉल्वेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सॉल्यूट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उस तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस को हम लोग सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस को हम लोग इस डायग्राम का यूज करके इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग ब्रास का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ओके, और हमें पता है कि जो ब्रास होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, जिंक और कॉपर से, जिसमें जिंक जो होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, यानी कि जिंक इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और कॉपर जो होता है इसमें वो कम मात्रा में होता है, यानी कि कॉपर जो होता है वो सॉल्यूट होता है, ओके। तो मान लीजिए हम लोग ब्रास का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी कि ये हमारा जिंक है ना, और ये हमारा क्या है, कॉपर हो गया, ठीक है, ये कॉपर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। हमने क्या किया कि यहाँ पे ये जो हमारा जिंक है, जिंक में हमने कॉपर को मिक्स कर दिया, ओके, जिंक में हमने कॉपर को मिक्स कर दिया और मिक्स करके क्या किया कि ब्रास का फॉर्मेशन कर लिया, यानी कि हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया। मान लीजिए कि ये आपका ब्रास के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, ब्रास जो सॉल्यूशन बन गया उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो जब हमने ब्रास का फॉर्मेशन कर लिया और फिर उसके हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी की, तो हमने ये पाया कि जो जिंक के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उसको कॉपर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने जगह जगह पर सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह खुद ले लिया था। इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पर देखिए, यहाँ पे सॉल्वेंट को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है और सॉल्यूट को मैंने ब्लैक कलर से। ये जो फाइनल सॉल्यूशन है यहाँ पर मैंने इसको इसलिए, ये चीजें जो मैंने ब्लैक ब्लैक दिखाई है, इसका सेंस ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर करके सॉल्यूट ने उसकी जगह ले ली है। ये जगह जगह पर
जिंक को सब्स्टिट्यूट करके कॉपर ने उसकी जगह ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस ये नेम क्यों रखा गया। असल में ये ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस को सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस नाम दिया गया जिसमें कि सॉल्यूट क्या करता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उससे रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। इसीलिए इस तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस को सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ब्रास को एक्सप्लेन किया है कि ब्रास जो है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस का एग्जांपल है, इसी तरह से सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस के और भी एग्जांपल है, जैसे कि ब्रॉन्ज हो गया, स्टील हो गया, ये सब भी आपके क्या है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस को क्लियर कर लिया है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस की। अब बात करते हैं हम लोग इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे सॉलिड सॉल्यूशंस जिसमें कि सॉल्यूट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बीच में मौजूद वैकेंट स्पेस में, यानी कि इंटरस्टीशियल साइट्स या फिर इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। इस चीज को मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ कि देखिए, मान लीजिए इसका एग्जांपल जो होता है इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन का, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास टंगस्टन कार्बाइड। मान लीजिए क्या करना है, हमें टंगस्टन कार्बाइड को बनाना है। तो टंगस्टन कार्बाइड में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो टंगस्टन होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, वो ज्यादा मात्रा में होता है, और कार्बन जो होता है वो कम मात्रा में होता है, कार्बन उसमें सॉल्यूट होता है। ओके, तो मान लीजिए हमें टंगस्टन कार्बाइड को का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टंगस्टन हो गया। ओके, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट हो गया, और ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बन सॉल्यूट हो गया। हमने किया क्या कि टंगस्टन में कार्बन को मिक्स कर दिया और मिक्स करके हमारे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया, और फिर जब हमने हमारे सॉल्यूशन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी की तो हमने ये पाया कि जो सॉल्यूट है, यानी कि जो कार्बन है, कार्बन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो टंगस्टन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बीच में मौजूद खाली जगहों पर जाकर के फिट हो जाता है। ओके, तो इस तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस जिसमें कि सॉल्यूट क्या करे कि सॉल्वेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच बीच में मौजूद जगहों पर जाकर के फिट हो जाए, इस तरह के सॉलिड सॉल्यूशंस को हम लोग इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। नाम से भी क्लियर हो रहा है, इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन नाम इसका इसलिए रखा गया बिकॉज यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच बीच में जो मौजूद खाली जगह होती है, जिसे हम लोग इंटरस्टाइसेस या इंटरस्टीशियल साइट्स या फिर इंटरस्टीशियल स्पेस या फिर वॉइड्स कहते हैं, उस पे जाकर के ये फिट हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है हमारे पास टंगस्टन कार्बाइड। डेफिनेशन तो हमने क्लियर कर ली, अब हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जब हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जब इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। ओके, तो पहले बात करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस की। देखिए, जब आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, यानी कि दोनों का साइज इक्वल होता है, तो उस सिचुएशन में जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है वो आपका होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए होता है कि आप खुद सोचिए कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों के ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज बराबर है। अब साइज बराबर है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो सॉल्वेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स है वहां पे तो फिट हो नहीं पाएगा, है ना, उसका साइज बड़ा बड़ा है तो वहां पे तो फिट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सॉल्यूट करता क्या है कि सॉल्वेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रिप्लेस करके वहां पर अपने लिए जगह बना लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल ब्रास देखा था, है ना। अब हमें पता है कि ब्रास जो है वो किन चीजों से मिलकर के बना है, हमारा जिंक एंड कॉपर से मिलकर के बना है। अब अगर हम लोग जिंक एंड कॉपर के एटॉमिक नंबर को देखें तो हमें पता है कि इसका 30 होता है और इसका 29 होता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को
लिखें और ये देखें कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में ही नंबर ऑफ सेल्स कितना है, 4 है, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ सेल्स जो है इक्वल है, यानी कि दोनों का साइज क्या है, बराबर है, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉरी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस कब बनते हैं, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज आपस में बराबर होता है। अब बात करते हैं इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस की कि ये वाला कब बनता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आपके सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, दोनों के बीच साइज का बहुत ज्यादा फर्क होता है, तो उस केस में हमारा बनता है इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर टंगस्टन कार्बाइड लिया था। अब टंगस्टन कार्बाइड जो है वो किन चीजों से मिलकर के बना है, टंगस्टन से और कार्बन से, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है, 74, और कार्बन का कितना है, 6। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच साइज का कितना ज्यादा फर्क है। टंगस्टन में टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स है, 6 है, और कार्बन में कितने नंबर ऑफ सेल्स है, 2 है। तो दोनों में आप देख सकते हैं ये 6 सेल्स वाला ये आपका आइटम है, और अगर इसमें नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 2 है। तो दोनों के बीच साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, है ना। कार्बन का जो साइज है, यानी कि जो सॉल्यूट का साइज है, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट। यही रीजन है कि इसका साइज एक तो बहुत छोटा छोटा होता है, इसका साइज बहुत बड़ा बड़ा है। तो होता क्या है कि सॉल्वेंट के जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, उनका साइज बड़ा बड़ा होने की वजह से उनके बीच इतना प्रॉपर इंटरस्टीशियल स्पेस होता है कि सॉल्यूट वहां पर आसानी से जाकर के फिट हो जाता है, है ना। तो अब हमारा ये क्लियर हो गया है कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं और इंटरस्टीशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।